नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नेहा। शुरुआत करते हैं अपने शो की, जिसका नाम है इलेक्शन व्हील। आपके लिए सिर्फ लेकर आते हैं यहाँ पर 11 प्रदेशों की बड़ी इलेक्शन की 11 खबरें। तो शुरुआत करते हैं शो की व्हील को घुमाने के साथ और देखते हैं कि सबसे पहले प्रदेश आखिर कौन सा आता है, क्योंकि इस तीर के सामने जो भी प्रदेश आएगा वहां की इलेक्शन की खबर आपको दिखाई जाएगी। इंतजार है तो सिर्फ इस व्हील के रुकने का, और व्हील धीरे धीरे आकर रुक गया है जम्मू एंड कश्मीर पर। तो आपको बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, दिखाते हैं इलेक्शन व्हील की इस बड़ी खबर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीर बशरी डल में आयोजित एक रैली में कहा कि मोदी और शाह की जोड़ी जनता का ध्यान बुनियादी समस्याओं से हटाने के लिए भावनात्मक मुद्दों में उन्हें उलझा रही है। ये ऐसा राजनीतिक दल है जो भारत के संविधान को बदलना चाहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह देश की जनता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये दोनों आम लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, और अब ये चुनाव ही तय करेंगे कि भारत धर्म निरपेक्ष रहता है या नहीं। तो देखा आपने अभी जम्मू से इस बड़ी खबर को, इलेक्शन व्हील की जो असर डाल रही है देश की हर एक जनता पर। एक बार फिर से अपने शो को घुमाते हैं, यानी कि इस चुनावी चक्के को घुमाते हैं, क्योंकि शो का फॉर्मेट है चुनावी चक्का घुमाया जाता है और इस तीर के सामने जो भी प्रदेश आता है वहां की खबर आपको दिखाई जाती है। तो धीरे धीरे ये चक्का रुक गया है आकर उत्तराखंड पर। तो आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की ये बड़ी न्यूज। बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और देशराज कर्णवाल के बीच चल रहा विवाद अब अखाड़े तक पहुंच गया है। खानपुर से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने विधायक देशराज कर्णवाल को खुली चुनौती दी है। कुंवर प्रणव सिंह ने कहा कि देशराज एक चूहा है और शेर को ललकार रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल मैंने चैलेंज दिया था कि देशराज कर्णवाल जो झूठे आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर, जो कहता है चैंपियन नहीं है, मैंने कहा हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, अगर अपनी माँ का दूध पिया है और अपने एक बाप की औलाद है तो कल मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करे, मैं आ रहा हूँ नेहरू स्टेडियम में, मेरे से कुश्ती लड़के दिखाए। एक थप्पड़ मार के नीचे ना गिरा दिया, आंख नाक कान से खून ना आया तो मैं अपनी मूछ कटवा दूंगा। मैं नेहरू स्टेडियम में हूँ, अखाड़े को सलामी ली है, आधा घंटे तक इंतजार किया है, वो नहीं आया है। अब मतलब निकाल लीजिए वो क्या है, चूहा है, शेर को ललकार रहा है। क्या ये खत्म होने के आसार लगते हैं आपको, ये जो राड़ा पूछिए ना, शुरुआत किसने की थी बताइए। शुरुआत तो उन्होंने की थी, तो को लेकर नहीं चलूंगा। 22 मार्च 2019 को किसने शिकायत की थी, किसने शुरुआत की थी, किसने कहा था राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, नौकरानी के पेट से होता, राजा क्या होता है, राजा है तो रोक लेंगे चुनाव लड़ने से। अरे हुजूर, मैंने कब कहा, मैं तो हाथ जोड़ के सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं तो अपने आप को सेवक कहता हूँ कि महान जनता सेवक होने के नाते आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। रिकॉर्डिंग देख लेना मेरे भाषणों की और विधानसभा की। वहीं बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने भी कुंवर प्रणव सिंह को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि गोली से ही हिसाब चुकता किया जाएगा। अब तो इसका जमाना है, एक दो। हालांकि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नरेश बंसल ने दोनों विधायकों के विवाद से किनारा कर लिया। नरेश बंसल का कहना है कि उनके विवाद का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है उन दोनों पर ही फर्क पड़ रहा है, पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए उन दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए। तो जल्दी ही सुलह करा देंगे इनमें, जल्दी ही सुलह, पारिवारिक काम है तो सुलह भी हो जाएगी। ठीक, अभी तक हम लोग चुनाव में व्यस्त थे, अब चुनाव के बाद देखेंगे इस मसले को। दोनों के बीच का विवाद अब मारने पर आ गया है। वक्त रहते पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये विवाद कहीं पार्टी के लिए मुश्किल पैदा ना कर दे। तो अभी आपने देखा उत्तराखंड से इलेक्शन व्हील की ये बड़ी खबर। एक बार फिर से इस चुनावी चक्के को घुमाने की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रदेश आता है इस तीर के निशाने पर। तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं कि आप हमसे आखिर कौन सी न्यूज़ और जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हिमाचल पर आकर रुक गया है ये चक्का, तीर के सामने हिमाचल है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे सतपाल सत्ती के बोल बिगड़ गए और उन्होंने कुछ कह डाला इलेक्शन व्हील की इस खबर में। जाने को पता नहीं लगता, जो लिख करके दे देते हैं वो बोल देते हैं। भैया इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, परिवार के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर रहे, आपको यही पता नहीं लगता बोल रहा क्या है।
मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी माँ की जमानत हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बना, ना किसी ने सजा दी, तू कौन होता जज की तरह चोर बोलने वाला? यानी एक पंजाबी आदमी ने लिखा, मैं जहां से मंच से नहीं बोल सकता, उसने फेसबुक के ऊपर लिखा। रणधीर शर्मा ने कहा कि मैं आपको जरा बोल के नहीं, मैं आपको कहते कि बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक पार्टी के नेशनल लीडर है और 3 बार के MP है। मैंने कहा लिखा क्या, बोल तो दो। कहते लिखा नहीं, आप थोड़ा फेसबुक ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है, यानी मैंने तो फिर भारी मन से मैं बोल रहा हूँ, उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो। तो एक बार फिर से इलेक्शन व्हील शो को आगे बढ़ाते हैं न्यूज़ के बाद, और फिर से देखते हैं कि कौन सा प्रदेश आता है इस तीर के निशाने पर। तब तक आपको क्या करना है, न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और यहाँ पर राजस्थान पर आकर रुक गया है चक्का, तीर के सामने है राजस्थान। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। क्या विवादित बयान दिया है उन्होंने, दिखाते हैं इलेक्शन व्हील की इस खबर में। और मैं प्रशासन ने भी आज इन मंच पर खड़ो चेतावनी दे रही हूं कि वो चुनाव आखिरी चुनाव नहीं है, 5 साल में राज बदल जाए, मैं एक एक री जन्म पत्री मारी आंखें में राखी है, उल्टा नहीं लटका दो तो मारो नाम गजेंद्र सिंह, उल्टा नहीं लटका दो तो मारो नाम गजेंद्र सिंह नहीं है, एक एक री जन्म पत्री राखी है। और मैं प्रशासन ने भी आज इन मंच पर खड़ो चेतावनी दे रही हूं कि वो चुनाव आखिरी चुनाव नहीं है, 5 साल में राज बदल जाए, मैं एक एक री जन्म पत्री मारी आंखें में राखी है, उल्टा नहीं लटका दो तो मारो नाम गजेंद्र सिंह, उल्टा नहीं लटका दो तो मारो नाम गजेंद्र सिंह नहीं है, एक एक री जन्म पत्री राखी है। तो इलेक्शन व्हील में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, और सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस व्हील को घुमा दिया है हमने, धीरे धीरे रुकेगा ये व्हील, जहां जाकर उस प्रदेश की बड़ी खबर सिर्फ आपको दिखाई जाएगी जो होगी चुनाव की खबर। तो यहां पर उत्तर प्रदेश पर आकर रुक गया है, तीर निशाने पर लगा है योगी आदित्यनाथ पर। 3 दिन का बैन लग गया है, वो चुनाव प्रचार तो नहीं कर सकते लेकिन वो मंदिर जरूर पहुंचे हैं। आइए दिखाते हैं पूरी खबर, रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की इलेक्शन व्हील न्यूज पर। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सीएम योगी के बयान के बाद चुनाव आयोग ने उन पर चुनाव प्रचार के लिए 72 घंटों की पाबंदी लगा दी है, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया तरीका निकाल लिया है। सीएम योगी राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ करीब मंदिर में 15 मिनट तक रुके, हालांकि मंदिर से निकलते वक्त सीएम योगी ने किसी से बात नहीं की। आपको बता दें कि सीएम योगी को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल होना था, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से लगाई गई पाबंदी के बाद सीएम नामांकन में शामिल नहीं हो सकते। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध में मंदिर जाना शामिल नहीं है। लखनऊ से न्यूज। तो यूपी से अभी आपने देखी इलेक्शन व्हील की खबर, अब आगे बढ़ते हैं, उस व्हील को घुमाते हैं। शो का फॉर्मेट है, व्हील घुमाया जाएगा और जिस प्रदेश पर आकर ये तीर निशाने पर लगेगा वहां की चुनाव की खबर ही आपको दिखाई जाएगी, इसीलिए इस व्हील को बार बार घुमाया जाता है। तो यहां पर पंजाब पर आकर रुक गया है, और आपको दिखाते हैं पंजाब से इस इलेक्शन व्हील खबर पर एक नजर डालते हैं। कठुआ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर जो निशाना साधा, उसका जवाब देते हुए पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील कुमार जाखड़ ने कहा कि नरेंद्र मोदी बीते दिन जलियांवाला बाग में हुए समागम में खुद क्यों नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी मेहंदी लगा रखी थी जो समागम में खुद नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा, यहां तक कि जब पुलवामा हमला हुआ तो हमले में शहीद हुए जवानों की लाशों को पहले दिल्ली ले जाया गया ताकि नरेंद्र मोदी पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की लाशों के साथ फोटो खिंचवा सके। सुनील कुमार जाखड़ ने कहा कि हम लोग शहीदों के घर में उनकी लाशों का इंतजार उनके परिवारों के साथ कर रहे थे, जबकि नरेंद्र मोदी दिल्ली में शहीदों की लाशों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। मोदी साहब, लोगों नू थोड़े बीजेपी वाले दी देशभक्ति ते शक है, थोड़े भाई वाले दी देशभक्ति ते शक है, तुन्होंने बादल साहब नू क्यों नहीं पूछा?
बादल साहब क्यों नहीं आए? जे मैं समझदा भी वह बजुर्ग है, पर जो पिंडों पिंड जाके कुर्सी वास्ते वोटा मंगते फिरते है लंबी हल्के च, तो कल तो आना बनता सीगा। सुखबीर जी नूं की हो गया? सुखबीर जी क्यों नहीं आए? देखो पंजाबियों ने शहादत दित्तियां, हिंदुस्तानी सीगे, पर जिहड़े उत्थे जलियांवाला बाग जे पंजाबी हज़ारां शहीद होए, उत्थे आण दा फर्ज बनता सीगा इन्हां लोकां दा। मोदी साहब क्यों नहीं आए? मोदी साहब ने कि मेहंदी ला रखी सी भी अज वोटां कठुआ मंग सकदे है, इत्थे आंदे उन्हां दी कोई मेहंदी सुकदी सी? मैं मोदी साहब नूं आना चाहिए सीगा। रोज़ रोज़ देखो पंजाब विरोधी आर एस एस, पंजाबी विरोधी है, सिख विरोधी आर एस एस, उन्हां दी जिहड़ी है गल गलों हेठां नहीं उतर सकती। अज अपने आप नूं राष्ट्रवाद का नारा पढ़ाने वाले उन्होंने पूछना है भी उस जलियांवाला बाग के अंदर बीजेपी के आर एस एस के किन्ने लोग से जिहड़े शहीद हुए, वह कित्थे सीगे? वो तो देखो अंग्रेज़ों के पिट्ठू सीगे, तो अज वो जिहड़े राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं लोग। मोदी साहब इन्हां गल्लां च ना जाण दिओ, थोड़े इतिहास खुल जूगा, सारी गल्लां सामने आ जाऊगी। तुसीं 5 सालां दा हिसाब दिओ, तुसीं की कीता 5 सालां च, नौकरियां किहड़ियां दित्तियां, देश उजाड़ता, व्यापार उजाड़ता, किसान मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं। पुलवामा की जिम्मेवारी दसन मोदी साहब उन्होंने क्यों नहीं गए? देखो पुलवामा शहीदों के जिहड़ी लाशें दिल्ली ले जाई गईं, मनिंदर सिंह साडा दीनानगर का जवान सी जिहड़ा उस दिन शहीद होया, उहदी लाश पहलां दिल्ली ले जाई गई भी मोदी साहब फोटो खिचा सकन, उहदे बाद उह लाश वापस आई। असीं उहदे परिवार च बैठे इंतजार कर रहे सी भी शाम नूं उहनां दी बॉडी आऊगी, तो घट्टो घट परिवार नूं अपने बच्चे नाल आखिरी अंतिम दर्शन का मौका मिलेगा। पर मोदी साहब के सामने दिल्ली ले जाया गया क्योंकि मोदी साहब ने फोटो खिंचवानी सी। देखो फोटोआं खिंचवाउण वास्ते देश की बलि चढ़ा रहे। तो पंजाब से देखिए अभी आपने इलेक्शन व्हील की ये खबर, एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, अपने व्हील को घुमाते हैं। तब तक आपसे बात कर लेते हैं थोड़ी, लोकसभा चुनावों का माहौल जारी है, पहले फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, दूसरे फेज के इलेक्शन 18 को हैं, आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि चक्का रुक चुका है हरियाणा पर आकर। तो देख लेते हैं हरियाणा की ये इलेक्शन व्हील खबर। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने विश्वास जताया है एक बार फिर, ना सिर्फ मेरे पर लेकिन पूरे समस्त अंबाला के कांग्रेस जनों पर और अंबाला के लोगों पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी लोग जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए मैदान को फतेह करेंगे सभी मिलकर। तो इलेक्शन व्हील में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको दिखाई जाती हैं 11 प्रदेश की बड़ी 11 इलेक्शन की खबरें, क्योंकि चल रहा है लोकसभा चुनावों का माहौल। यहाँ पर रुक चुका है चक्का, तीर है बिहार पर। तो नजर डाल लेते हैं बिहार की इस इलेक्शन व्हील खबर पर। फूट नहीं है बीजेपी, जदयू और लोजपा, एक चट्टानी एकता के साथ खड़ी है, वो दिखाई पड़ रहा है पहले फेज में भी। अरे भाई राबड़ी देवी जी को क्या कहिएगा, वो तो भाभी जी है, मैं कहूँगा कि आप भूगत नहीं रही है तो ज्यादा अच्छे। बेटी पढ़ाओ क्या नारा है बीजेपी का, नारा है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तो बेटी लोग लखन अपमान, बड़ी बेटी होती है छोटी बेटी होती है, छोटी से बड़ी माँ बन जाती है, तो महिलाओं का अपमान न तो क्या है? बीजेपी के देश भर में महिलाओं के अपमान है। बीजेपी के हमारा अनुरोध है कि जितने ही महिला हैं, चाहे गरीब महिला हो, चाहे बड़े घर के हो, चाहे छोटे घर के हो, चाहे सब समाज के महिलाएं हैं, सब पर ये अपमान लगा रहे हैं बीजेपी के अश्वनी चौबे। अश्वनी चौबे जो बोल रहे हैं महिलाओं पर जो आरोप लगा रहे हैं कि महिला चूल्हा चौका देखे घूंघट में रहे, तो हम देश के महिलाएं के ही पूरा अपमान है, पूरा देश के महिलाओं पर ये अपमान लगा रहे हैं कि फील्ड में ना आवे, राजनीति में ना आवे, जब में ना आवे। ये अश्वनी चौबे के का नाम है, बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं, और इस तरह के महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं। ये हमारे राबड़ी देवी पर आरोप नहीं है, पूरा देश के महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं कि घूंघट में रहिए, घर में रहिए, घर संवारिए। तो हम पूछना चाहते हैं चौबे जी से कि देश भर में उनका बीजेपी में महिलाएं जितना है
तो उनको कहेंगे घूंघट में रहने के लिए, बाहर नहीं निकलने के लिए, और बाहर ना निकले, अपना घर संभारे। और जॉब में भी है, वो भी महिलाएं हैं, जॉब करती हैं, अपना घर चलाती हैं, रोजी रोटी अपना कमाती खिलाती हैं बाल बच्चा के भी। और जो नेतागिरी जो करती हैं, फील्ड में जाती हैं, एमएलए एमपी बनती है, एमएलसी बनती है, राज्यसभा बनती हैं, तो क्या ये अपमान नहीं है? कहते हैं महिलाओं के कि घर में रहिए, घूंघट में रहिए। तो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और इस व्हील को घुमाने की शुरुआत करते हैं और इंतजार करते हैं इस व्हील के रुकने का, क्योंकि ये रुकेगा तभी हमें पता चलेगा कि अगली खबर आपको कौन सी दिखानी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड पर आकर तीर निशाने पर लगा है, तो दिखा देते हैं झारखंड से ये बड़ी इलेक्शन व्हील न्यूज। तो अभी आपने देखी इलेक्शन व्हील की ये बड़ी खबर। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, अपने व्हील को घुमाते हैं जिसका नाम है इलेक्शन व्हील, यानी चुनावी चक्का। चुनावी माहौल भी चल रहा है और यहाँ पर चुनावी चक्का भी घूम रहा है जो रुक चुका है आकर मध्य प्रदेश पर। तो नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की इस इलेक्शन व्हील खबर पर। बीजेपी की 24 अप्रैल को जारी हुई सूची में इंदौर लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं हो सका। अब प्रदेश में इंदौर सहित भोपाल, विदिशा, सागर, गुना सीट पर ही नामों की घोषणा बाकी है। वहीं इंदौर सीट पर रोज नए दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद से इंदौर सीट पर प्रत्याशी को लेकर हलचल तेज है। तो वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की पश्चिम बंगाल में व्यस्तता के बाद इंदौर सीट पर पैराशूट प्रत्याशी के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों इंदौर में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश से अभी आपने देखी ये बड़ी खबर। एक बार फिर से इस चुनावी चक्के को घुमाते हैं, क्योंकि एक ही प्रदेश अब हमारा बचा है, उसकी भी चुनावी खबर हम आपको दिखाएंगे इस चक्के के रुकने के बाद। इलेक्शन व्हील है इसका नाम, यानी चुनावी चक्का, और झारखंड पर आकर रुका है, लेकिन हमारा शहर, हमारा प्रदेश बचा है छत्तीसगढ़। तो नजर डाल लेते हैं छत्तीसगढ़ की इस बड़े इलेक्शन व्हील खबर पर। छत्तीसगढ़ की तीन लोकसभा सीटों महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर के लिए 18 अप्रैल को मतदान होगा। इन तीनों सीटों पर कुल 48,95,000 से अधिक मतदाता हैं, जबकि 36 प्रत्याशी मैदान में हैं। महासमुंद और कांकेर में पुरुषों की तुलना में महिला वोटर्स की संख्या अधिक है, ऐसे में स्वाभाविक रूप से वहां महिलाएं भी प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगी, और ऐसे में इस बार इन तीनों सीटों पर महिलाओं की भूमिका अहम रहने वाली है। तो आज आपने देखी इलेक्शन व्हील में 11 प्रदेशों की बड़ी 11 खबरें, और इसी तरह हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे चुनाव से रिलेटेड बड़ी से बड़ी खबर। फिलहाल अभी चलने का टाइम हो गया है, लेकिन उससे पहले आप न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, और हमें कॉमेंट बॉक्स पर बताइए कि और क्या आप जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज के साथ। फिलहाल इस व्हील को घुमा देते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, हमारा व्हील भी चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।